अंधे थे, और दूसरी रानी के जो पुत्र पैदा हुए वो ही थे महाराज पांडु, पांडु रोग से ग्रस्त थे, और दासी के जो पुत्र पैदा हुए वो ही थे महात्मा विदुर। विवाह कहां से हुआ? कहां की तुम्हारी संस्कृति? अगर आज तुम्हारे ही देश में और इटावा तक अगर कोई आदमी चल के इलाहाबाद से भी आ जाता है शादी के लिए, तो कहा कहते ना भैया हम तो एक किलो है, वो तो यही थे करेंगे जो रहे थे। पर तुम्हारे यहां की विवाह कहां से हुए? अर्जुन तो अमरीका ब्याए, पंडु ब्याए ईरान, और धृतराष्ट्र राजा ब्याए थे काबुल के दरमियान अफगानिस्तान। तो धृतराष्ट्र का विवाह जो हुआ था वो काबुल से हुआ था। सुबल महाराज की लड़की थी जिसका नाम था गांधारी, महाराज पांडु के बड़ी रानी का नाम था कुंती और छोटी का था माद्री। सुतपा नाम की लड़की के साथ विदुर जी का विवाह हुआ था। ये वंश आगे चला, सोता बंधु गांधारी के 100 पुत्र पैदा हुए, एक पुत्र दासी से जन्मा। महाराज पांडु के पास 5 पुत्र थे लेकिन पांडु से पैदा कोई नहीं था, वो देवताओं से थे, क्योंकि महाराज पांडु को सांप लग गया था। सबसे बड़ा था दुर्योधन और उधर थे सबसे बड़े युधिष्ठिर। जब ये परिवार बढ़ा तो आपस में कलह रहने लगी, और इस बात को तो तुम जानते हो कि जब जब परिवार बढ़ा तो कलह ही बढ़ी है। उस परिवार में जब कलह बढ़ी तो बंटवारा कर दिया, 40 गांव पांडवों को दे दिए, समस्त राजधानी का युवराज दुर्योधन को बना दिया। लेकिन फिर भी दुर्योधन को चैन नहीं पड़ा, वो पापी ये चाहता था कि इन पांडवों का विनाश नहीं होगा तब तक मैं चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकता। तो आज जुआ का खेल करवाया, जुआ का खेल। बताया हमारे विद्वानों ने कि जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो कितना तो बढ़िया खेल है। 1,00,000 को दाव लगा दो, पत्ता सूदो परगो तो लखपति हो, और परगो उल्टो। जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं तकरार ना हो तो, मित्रता जैसा रिश्ता नहीं गद्दार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो। तो आज जुआ का खेल कराया गया, उस जुआ के खेल में पांडव सब संपत्ति को हार गए। अंत का दांव था 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसे भी हार गए। तो पांडवों ने वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जिस समय व्यतीत किया था, तो वहां एक सभा एकत्रित हुई महाराज कमल लेन के यहां पर, क्या पांडवों को राजगद्दी में बांट कैसे मिलेगा। लेकिन वहां भी पवन पुत्र भीम ने कह दिया था भरे समाज में द्वारकाधीश कन्हैया से कि प्रभु राजगद्दी में बंटवारा बिना लड़ाई के ना आज मिले ना कल मिले। लेकिन कृष्ण जैसा चतुर नेता पैदा ही नहीं हुआ। भगवान ने कह दिया भीम भैया लड़ाई लड़ना बिल्कुल अंतिम दाव है, तब कोई रास्ता ना बचे। आज भी यही विचार करना चाहिए, लड़ाई तब लड़नी चाहिए तब कोई रास्ता बिल्कुल ना बचे। तो एक शांति दूत भेजा, उस शांति दूत से दुर्योधन ने मना कर दिया कि सुई के नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा, बंटवारा तो बहुत बड़ी बात है। उस समय भगवान आज स्वयं शांति दूत बने हैं, विचार करना। वो मेरे ठाकुर जी जिसमें प्यार करते हैं, कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि जहां मेरी क्यों तोहिन तो नहीं है, आज दूत बन गए। तो भगवान जिस समय दूत बन के चले हैं हस्तिनापुर के लिए, तो उस पापी दुर्योधन को पता चल गया था क्या शांति दूत बन के कृष्ण आ रहे हैं। उसकी सोच कितनी ऊंची है कि अगर काउत रहते जे कृष्ण ही खत्म हो जाए तो फिर पांडव कितनी देर घूमे, जाके एक भौं को पलक ही जावे तो पृथ्वी तो ऊपर के नीचे चली जाता ताके मारवे की जुगाड़ में।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने के भ्रकुट विलास सृष्टि ले होई और सपने संकट पर न किसो। एक भौं के पलक के पलटा खाने से पृथ्वी तक पलटा खा जाती है। तो आज उसने एक 80 गज गहरी खाई खुदवाई है दुर्योधन ने, और उस खाई के ऊपर कच्चे धागों का पलंग बिछा दिया और मन में सोच रहा है कि कृष्ण जब आमे तो सबसे पहले जाई के बैठा था, और जैसे ही आज भगवान चले द्वारकाधीश सज करके आ रहे थे शांति दूत बन करके, तो श्रोता बंधुओं सबसे पहले गैल रोकी किन्ने, रोका कैसे? कैसे? अरे सिर पर पाई दिन बांधे जाएंगे, तादिन तेरे खून में धो दिए जाएंगे।
जे सिर के केस खुले में कब तक रात में और तुम जा रहे हो लड़ाई रोकने। ए भगवान ने कही पांचाली चिंता मत करो, जो तुम्हारे मन में वही मेरे मन में और वही होगा जो तुम चाह रहे हो। भगवान की चिंता मत करो, तुम चाह रहे हो ताई हम चाह रहे हैं। तो जिसमें भगवान गए हैं, आज दुर्योधन के परिवार ने बहुत सम्मान किया, आइए महाराज। और जैसे ही कृष्ण ने भीतर कदम रखा है, एक ही नजर भर के देखा सबको, पूरे समाज को, तो एक आसन अलग पड़ा हुआ था ऊंचे पे। दुर्योधन ने कही श्याम सुंदर तुम यहां आ जाओ। भगवान ने कही दुर्योधन गंगा पुत्र भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे संत विदुर जैसे महात्मा ये तो तुमने सब नीचे आसनों पर बैठा रहे हैं और मोए ऊंचे पर बैठा रहो है। ऐसा नहीं होगा, मैं वहीं बैठूंगा यहां जे सब बैठे। तो पिता में भीष्म के बराबर कुर्सी पड़ी हुई थी, उस पर जाकर के कन्हैया बैठे। दुर्योधन ने की जी तो मामलों के घर अब वो पापी कह रहा है भगवान ने भोजन बनवाया और आदेश कर दिया 56 प्रकार के भोजन बना दो लेकिन सब जहर के हों। भगवान के लिए जहर का भोजन बन गया, जाकि कृपा दृष्टि थी जहरू अमृत बन जाए, पापे जहर असर का कर। आज जहर का भोजन बनाए तब दुर्योधन ने की तो चलो महाराज अब खानो खा लो। देखिए क्या कहा है श्याम सुंदर ने कि दुर्योधन तुम इस बात को नहीं जानते कि दूसरे के घर पर भोजन कब खाना चाहिए। देखिए बेटी बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रखना, या तो खिलाने वाले के हृदय में प्यार हो और क्या प्राणों पर आपत्ति हो। तो दुर्योधन आपत्ति वो पर कोई है ना, और प्रेम तुम बोते मानतना हो। कभी भी जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए कि काऊ तरह कोई भूखो आ जावे और बहन जी तुमने वह खानो खवा दो और खाए को काऊ तरह जा दे, फिर पीछे तुझे कह दोगे ये आगे डालो कह देना को भूखो, वो जितना तुमने खवाओ सब मट्टी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो आज कही दुर्योधन प्रेम तुम मानते नहीं हो और आपत्ति मेरे पास कोई है नहीं, मैं आज का भोजन खाऊंगा तो चाचा विदुर के यहां। जो विदुर जी को नाम लो सो विदुर की नबज चार्या में सरक गई पीछे। भगवान आज का बन हुआ बनो है, आज जैसे तैसे तो मेघ आ रहे हैं और भोजन खवा दे कुछ ना करे। तीन दिन से राशन पानी बंद कर दिया था पापी ने, किस लिए? इसलिए बंद कर दिया था कि अगर भोजन मिला कृष्ण को तो केवल मेरे घर पर मिले और किसी के घर पर मिले ही ना, बिल्कुल ना मिले। सोता बंधो आज चाचा विदुर जी पीछे वाले दरवाजे से निकल के चले गए और फाटक बंद कर लिया दोनों प्राणियों ने। उनकी पत्नी का नाम था सुतपा। तो विदुर जी कह रहे हैं अरे सुनना नहीं कि बार बंद करो जल्दी। वे बोली के बार मैं जी सुनिया का नहीं आ रहे हैं। अरे तुम्हें ना मालूम सबसे बड़ो बन हुआ तो जाई बात को है कि कन्हैया आ रहे हैं। आज दोनों प्राणियों ने फाटक बंद कर लिया है और भजन किया है भवन में। तो परीक्षित जी ऐसा भवन किया भजन किया कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक आज तक न किसी ने किया न कोई करेगा। वो भजन कैसा था? भजन कर भी तरबा बाबाई भजन कर भी तरबा बाबाई भजन करे भी तरबा बाबाई भजन करे भी तरबा बाबाई।
भंडारी लो आंगन में, अरे आंगन में माला लई उठाई भजन करी भीतर बाबा भाई भजन करी। आज उन्होंने माला हाथ में ली है, वो भजन अनोखा कैसा था? आज तक वो शब्द किसी ने नहीं कहा जो उस दिन विदुर जी कह रहे। कई कह रहे हैं, अरे दोनों बैठे आस लगामी, अरे आस लगामी और या भी नहीं अधूराई भजन करी भीतर बाबा भाई भजन करी। ए बैठे दोनों आस लगावे आस लगावे आवे नहीं अधूराई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। सुनो कई कारण, हे भगवान आज तक कौन कही है कि हमारे घर भगवान नाम है? सब दुनिया यही कहते हैं भजन करते में कि हमें भगवान के दर्शन है जाए, भगवान हमारे घरे आ जाए। लेकिन आज विदुर जी कह रहे हैं कि हे भगवान आज हमारे घर भगवान नहीं है। आज तक कौन ना कही कि मेरे घर भगवान नाम है, लेकिन आज विदुर जी कह रहे हैं। बस इसी रटना में लगे हुए थे तब तक, अरे जिया तो हुनकी लगी रही रटना, अरे लगाई रहे रटना सोई कुंदी आई बजाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। जिया तो हुनकी लगी रही रटना, लगाई रहे रटना कुंदी आए बजाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। तो विदुर जी का कह जा रहे भगवान का नहीं आन होने, आज बिल्कुल बात बिगड़ गई। जैसे सांकर खोली है, सामने द्वार का अधीश खड़े थे विदुर चाचा, इतने खड़े रह गए भगवान उतने खड़े रह गए, कई काउ निकाउ कुछ नहीं। श्याम सुंदर बोले कि चाचा भीतर आवे कि ना गोए? अरे ना ध्यान ना रख नहीं आ जाओ, ध्यान कोई के जे खावे मांगेंगे। जब भीतर आसन बिछा दिया, श्याम सुंदर बोले कि चाचा पानी नहीं मिला सवेरे, भूख लग रही है। जैसे भूख का शब्द बोला, उस बूढ़े वृद्ध महात्मा के आंखों से आंसू गिर गए। चाचा रोए क्यों? कन्हैया तीन दिन से चूल्हा बंद है, मालूम नहीं मुझे। भगवान कहते हैं तो मेरी खातिर बंद है, पर तुम क्या खा रहे हो? लला हम तो जो खा रहे हैं सो खा ही रहे हैं, पर मेरे घर में व्यवस्था इस समय कुछ नहीं है। तुम कहो तो मैं बात बना लाऊं। लला तो तक पानी भर लाऊं मैं। वो आज ही देखियो तुम, जब घर में कछना हो तो चारों लोग उपाय बदले जाते हैं केवल बात दाब दे के। तो चाचा तो पानी लेवे गए, सुतपा कह रही है कन्हैया तुम चिंता मत करियो, बे कछु लांगे तुम्हारे ताई। और तो तक तुम कह दो तो नहीं कहो केला घरे में उठा लाऊ। भगवान मन में कह रहे हैं चाची काई को मैं बहका रही हूं, केले ही हैं और कुछ है ही ना। जिस समय केला लेकर के आई है थाली में रख करके, और आज देखिए भगवान भूखा किसका है। केला को छील के भगवान के नेत्रों की तरफ देख रही हैं, और नेत्रों में देखते देखते इतना प्रेम भर गया कि आज सुतपा ने केला को छील के छिलका भगवान के मुंह में दे दिया और गूदा को फेंक दिया। भगवान खाए गए, दूसरी बार फिर छीला छिलका फिर खाए गए। तब तक विदुर जी पानी लेके आए, उनको अरे अरे जी क्या कर रहे हो? कन्हैया ने की चाचा वे लग रहा है इन्हें अब कुछ पता नहीं। तो देखिए अगर वो सामग्री का भूखा हो तो बड़े बड़े शहरों में गोदाम भर रहे हैं, ताई में बैठ जावे भीतर। अगर गंगा जी के नहावे की सबसे पहले कल्याण है जावे तो हम तो बताओ नंबर पहले उनको आ जाओ, जो हजारों मेड़ों का परे भाई में दर रात। इसका भूखा नहीं, वो भूखा इस चीज का है कि राम अवतार में जब सबरी के झूठे बेर खा सकता है और विदुर जी के घर पर केला के छिलका खा सकता है और दुर्योधन के 56 प्रकार के भोग ठुकरा सकता है, ये है ब्रह्म। इसे कहते हैं भगवान।
आज विश्राम कर लिया। जब सवेरा हुआ तो दुर्योधन का दरबार लगा, दुर्योधन का दरबार लगा, तब कही दुर्योधन राजगद्दी का बंटवारा कर दीजिए, अन्यथा इतना बड़ा संग्राम होगा ना अब तक हुआ न कभी होगा। दुर्योधन ने कि महाराज में बांटना तो चाहता नहीं, एक सुई के अंतर भाग बराबर नहीं हुआ। तो कन्हैया ने कही तो युद्ध होगा, लड़ाई होगी। दुर्योधन ने कि पेंदो जी बताओ लड़ाई होगी तो हमारे घर में, बंटवारा होगा तो हमारे घर में, पर तुम पाठ कैसे बजाते हो? सबरे जवानों से कहा पहले जाइए मानो जय ग्वाले मानो यहीं लगा दो नंबर। पिता में भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब अरे दुष्ट कहकार हो, अरे भगवान अतिथि हैं और ताऊ दूत हैं, दूत बन के आए ऐसा मत कर। पर वो नहीं माने, उसी समय भगवान को क्रोध आ गया, विराट रूप धारण कर लिया उसका चरित्र। तो जो महान महान संत थे वो ही देख पाए, उनकी तो आंखें ही बंद हो गई। तब कही ठीक है दुर्योधन मैं अंतिम प्रस्ताव रख रहा हूं, क्या पांच ही गांव दे दो ताकि पांचों भैया बहुत समय काट रहे, बिल्कुल सीमा तो दी है। पर सरस्वती व पापी के सिर पर पहले तो बैठा राखी के फैसला बन न जावे, पांचों गांव देने को तैयार नहीं हुआ। भगवान चले गए और जाकर के पांडवों से कह दिया कि अब तैयारी करो, अब युद्ध होगा, अब लड़ाई होगी। नातेदार रिश्तेदार अपने मित्रों को सबको नौता लगने, सबको नौता दिया गया और लड़ाई के लिए स्थान कौन सा चुना? कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा में पड़ता है, कुरुक्षेत्र। तो तुमने सुना होगा एक हास्य कवि सम्मेलन आता है, मोबाइलों पे भी आता है, तो हरियाणा के कवि ने कहा है कि हमारे संग तो कन्हैया ऊपर पक्षपात कर गए। दूसरे ने पूछी क्यों? कि हमारे संग पक्षपात जी कर गए, क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश में बजाई बंसी और हरियाणा में बजाओ बांस, बंसी बजाई मां और बांस बजाओ ना। पर ध्यान रखना वो कुरुक्षेत्र था, और वो क्यों चुना?